भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाला ऐतिहासिक टेस्ट मैच का दूसरा दिन शुरू हो चुका है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर ये आ रही है कि ऋषभ पंत और शुभमन गिल की टीम से छुट्टी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनको टीम से बाहर कर दिया गया और केएस भरत उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस लीग में या कह लीजिए सीरीज में। मेरे साथ मौजूद है मनोज जी। सर, आपसे पहले जानना चाहेंगे ये रीज़न क्या है, इसके पीछे वजह क्या है उनको टीम से निकालने का? देखिए, इसे निकालना भी नहीं कह सकते क्योंकि वो अब प्लेइंग 11 में नहीं है। बिल्कुल, अब प्लेइंग 11 में नहीं है तो आप या तो प्लेयर्स के साथ बैठ के टाइम ही पास कर सकते हैं, मैच का लुत्फ उठा सकते हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर कर सकते हैं और तो और ड्रिंक्स इंटरवल में उनको पानी पिला सकते हैं जो बल्लेबाज हैं। बिल्कुल, इसके अलावा कोई ज्यादा अतिरिक्त खिलाड़ी की भूमिका नहीं होती, या फिर कोई खिलाड़ी फट्टर हो जाए, इंजर्ड हो जाए, आप जाकर वहां पर फील्डिंग कर सकते हैं जी। इसके लिए वहीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही है इस समय, राष्ट्रीय स्तर का जो हमारा T20 का की नेशनल चैंपियनशिप है। बिल्कुल, और अगले साल वर्ल्ड कप होना है T20 का, तो अब क्यों ना आखिरी जो मैच है, सुपर लीग के मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है, वहां पर इनको अगर अवसर दिया जाता है खेलने का तो ये तो बड़ा स्वागत योग्य फैसला है। बिल्कुल, और इसीलिए इनको बाहर किया गया है। इसे बाहर करना भी नहीं कह सकते, एक समझदारी वाला फैसला किया गया है कि आप यहाँ पर पानी पिलाने से अच्छा है कि वहाँ अपने हुनर दिखाइए, क्योंकि शुभमन गिल जो है वो पंजाब से खेलते हैं, पंजाब को अभी कई महत्वपूर्ण मैच खेलने हैं, तमिलनाडु से खेलना है उसको, तमिलनाडु का अटैक भी ठीक ठाक है, बढ़िया अटैक है, कर्नाटक का अटैक बहुत बढ़िया है, और तीसरा मुंबई से खेलना है। मुंबई में बड़ा उतार चढ़ाव आया है इस बार, आपने देखा ही इस सीजन के अंदर मेघालय जैसी टीम से भी वो हार गई है। और वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो उसके सामने राजस्थान है, जहां पर दीपक चाहर बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। अब दीपक चाहर अपने करियर के बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, और दीपक चाहर के सामने अगर शुभमन गिल अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छे रन बनाते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, भारतीय टीम में आकर वो और तरोताजा होकर ज्यादा रन बना सकते हैं। बिल्कुल, और जो मेन रीजन या जो वजह बताई गई है, क्योंकि इसके पहले जिक्र हो रहा था कि गेम टाइम नहीं मिल रहा है, अगर ऋषभ पंत की बात की जाए, शुभमन गिल की बात की जाए, तो आपको बता दूं करंटली जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही है उसका ग्रुप स्टेज मैचेस खत्म हो चुके हैं, सुपर लीग का ग्रुप स्टेज चल रहा है, वहां पे दोनों क्वालिफाई कर चुकी है दिल्ली और पंजाब की टीम, उसी में हिस्सा लेने के लिए दोनों को थोड़ा गेम टाइम मिलने के लिए ये डिसीजन लिया गया। बहुत ही अच्छा, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी कॉल है सर। अगर कोई एक्स्ट्रा प्लेयर है, अतिरिक्त प्लेयर है जिसकी बल्लेबाजी नहीं आ रही, या जो प्लेयर खेल भी रहा है, अब आप देखिए जो खेल रहे हैं वो भी मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते हैं जी। अब आप देखिए जब मौका मिलता है शिखर धवन को, उनको फॉर्म में वापस लाने के लिए कोशिश की जा रही है कि उनको ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं, वो बात अलग है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अभी भी उनके लिए रन बनाना बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। आर अश्विन विदेश से आते हैं या यहाँ भी खेलते हैं, एक इंटरनेशनल मैच खेलते हैं, टेस्ट मैच, उसके बाद वो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हुए दिखाई देते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा साइन है। तो बीच में परंपरा जो खराब हो गई थी, महेंद्र सिंह धोनी से लेकर तमाम प्लेयर जो हैं लंबे समय से खेले ही नहीं थे, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं करते, डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते ही नहीं थे, उससे बहुत अच्छा उदाहरण सामने नहीं आता था, लेकिन अब जो है बहुत अच्छी परंपरा पैदा हो रही है और उसको टीम प्रबंधन भी तवज्जो दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। वो बात अलग है कि थोड़ा विरोधाभास नजर आता है, क्योंकि जो जिस तरह से टीम सेलेक्ट की गई है T20 के लिए और वनडे के लिए, वहाँ तो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है, तो इससे ये जाहिर होता है कि जो स्कीम ऑफ थिंग्स में आपके प्लेयर्स हैं आप उसी पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं, कोई अन्य खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने की तरफ अब आपने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एकदम ताला लगा दिया है, बिल्कुल उस तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया, लेकिन अब ध्यान देना पड़ेगा ऋषभ पंत को खासकर अपनी बल्लेबाजी पर, क्योंकि जो अपकमिंग सीरीज यानी कि जो वेस्ट इंडीज की T20 सीरीज या ODI सीरीज दोनों में उनका नाम है, और फिर भी उनको लगातार से प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में उनका जो फॉर्म है इतना निराशाजनक रहा है कि लोग पूछना चाह रहे हैं कि उनकी जगह पर सर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि आपको इतना लगातार क्यों बैक किया जा रहा है। लेकिन ये बात होगी ऋषभ पंत की, लेकिन अब बात करेंगे जैसे मेरे जैसे बहुत क्रिकेट फैंस हैं जिनको मालूम भी नहीं होगा केएस भारत कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं, लेकिन और ब्रीफ में बताएंगे सर आपको इसके बारे में। 2015 में रणजी ट्रॉफी के अंदर वो उन्होंने एक ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी, और भारत के वो इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जी जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी में बतौर विकेट कीपर ट्रिपल सेंचुरी बनाई है और लंबी लंबी पारियां खेलते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो लंबी पारी हाल में जो हालिया फॉर्म है वो उनकी बहुत लंबी पारियां नहीं खेल पाए हैं। एक गोवा के खिलाफ उन्होंने 70+ की कुछ पारी खेली थी, एक दो पारियां कुछ उनकी अच्छी रही हैं, लेकिन उनका सीज़न बहुत बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनमें टेस्ट क्रिकेट के विकेट कीपर बनने की बहुत संभावनाएं हैं, और जब भी हम बात करते हैं ईशान किशन की बात करते हैं, संजू सैमसन की बात करते हैं, ऋषभ पंत की बात करते हैं, लेकिन टेस्ट के एक अच्छे विकेट कीपर के तौर पर रिद्धिमान साहा का के विकल्प के तौर पर हम कोई बात नहीं करते। हमने शायद मान ही लिया हम भी टीम प्रबंधन की तरह ही कि भाई वो नहीं है तो ऋषभ पंत हो जाएंगे, ये गिने चुने ऑप्शन है, गिने चुने ऑप्शन है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने किसी एक युवा उभरते हुए खिलाड़ी को जिसकी कीपिंग क्षमताओं का
मतलब हर कोई कायल है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग दिल्ली इस तरफ यहाँ दिल्ली में रहते हैं और हमारे आसपास जितना भी जो परिवेश है, जो मीडिया है, जो जितनी चर्चाएं आती हैं, वो इन्हीं सब खिलाड़ियों की आती हैं। केएस भरत को कोई नहीं जानता। अगर आप भरत का परफॉर्मेंस उठाकर देखेंगे तो, या उनको कभी खेलते हुए देखेंगे, तो आपको लगेगा कि वास्तव में लंबे फॉर्मेट में विकेट कीपिंग कैसे की जाती है और उसकी वो वास्तव में मिसाल है। और दूसरी बात यह है कि वो ओपनर है। मुझे फारूक इंजीनियर की याद आती है। फारूक इंजीनियर भारतीय क्रिकेट टीम में विकेट कीपर थे, विकेट कीपर बल्लेबाज करते थे। यानी आप पूरी पारी जो है, अगर आप फील्डिंग पहले आपकी आती है और कितनी बार आप उठक बैठक लगाते हैं, हर बॉल के बाद आप नीचे बैठते हैं फिर उठते हैं, और अगर लंबी पारी खिंच जाए तो फिर तो आपकी मतलब 500 बैठके भी हो जाती हैं। उसके बाद फिर आप सीधा पैड पहनकर आप बल्लेबाजी करने आ जाते हैं बॉल वन से फेस करने पहले, पहले पहली बॉल से। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। तो ऐसे उभरते हुए खिलाड़ियों को मैं समझता हूँ टेस्ट क्रिकेट में अवसर देना चाहिए, लेकिन अभी ये अवसर नहीं कहा जा सकता, ये एक रिप्लेसमेंट के तौर पर, कि कहीं खुदा ना खास्ता रिद्धिमान साहा ड्यूरिंग द मैच इंजर्ड हो जाएं, कोई चोटिल हो जाए, तो उनकी जगह पर वो कीपिंग की कमान संभाल सके। बिल्कुल, ये 2017 में आईसीसी ने नया रूल लागू किया था, कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे T20 हो, ODI हो, टेस्ट हो, वहाँ पे अगर आपको रिप्लेसमेंट बतौर विकेट कीपर अगर कोई इंजरी हो जाए या कुछ ऑन फील्ड हादसा हो जाए तो उनको रिप्लेस करके उनकी जगह ले सकते हैं विकेट के पीछे कोई नए विकेट कीपर। तो ये था चर्चा। लेकिन सर, केएस भरत का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, इसने जिनको अपॉइंटमेंट हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि रिद्धिमान साहा जो मेरे हिसाब से वर्ल्ड के बेस्ट कीपर है प्रेजेंटली, उनके साथ मैं काम करूँगा, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और वहीं ऋषभ पंत को भी अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं दोनों को सीखने का बहुत अच्छा मौका है। बिल्कुल, बहुत अच्छा मौका है। रिद्धिमान साहा ने जो कीपिंग की है, वर्ल्ड क्लास कीपिंग की है इस मैच में, उनका नाम ही सुपरमैन साहा हो गया। सुपरमैन साहा हो गया। और वैसे भी वो जो पिंक बॉल क्रिकेट है इसको पहले खेल चुके हैं जी। उन्होंने सुपर लीग जो है कोलकाता की उसमें भी खेले हैं, दिलीप ट्रॉफी में भी खेले हैं, और यहाँ पर जिस तरह से दाएं और झुककर और बाईं ओर झुककर डाइव लगाकर उन्होंने कैच पकड़े हैं, 100 शिकार अपने पार कर लिए हैं उन्होंने, 100 से ज़्यादा शिकार। तो ऐसे खिलाड़ी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उनसे सीखना, भरत के लिए एक नया अनुभव रहेगा। और वहीं मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनको लौटाना वापस, उससे आपको कम से कम ये ध्यान बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि अब कॉलर ऊंचे करने का वक्त नहीं है। बिल्कुल, कॉलर नीचे करके लो प्रोफाइल में रहकर अपना अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए, तभी आप टीम में वापस आ सकते। बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है दोनों के पक्ष से अगर देखा जाए। जहां केएस भरत को एक अच्छा मौका मिल रहा है कि नेशनल टीम में जाके उनका वातावरण देखने का, वहीं ऋषभ पंत और शुभमन गिल को अपना फिर से दबदबा कायम करने का, अपने बल्ले से जल्दी बिखरने का बहुत ही सुनहरा मौका है। अब देखते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में क्या होता है, क्या दोनों प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तब तक लिए इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स से जुड़े रहिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर हिट करिए ताकि सारे लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट आपको यहीं से मिले। थैंक यू।